ये रुकियो, मेरी चप्पल दिख रही है तुम्हें? देख रहे हो क्या सही बारिश हो रही है, और सुबह से ही हो रही है आज तो। कल मैंने भगवान से मांगा था, मैंने कहा भगवान बारिश करवा दो, भगवान ने ऐसी सुनी कि बारिश रुक नहीं रही है। और मैं अपने टावर से बाहर निकला और पार्किंग तक पहुंचने में अच्छा खासा भीग गया। मेरे को एक काम था सुबह, मैंने बताया था लास्ट ब्लॉग में वहां जा रहा हूं, लेकिन चप्पल में जा रहा हूं, जूते पहनने की वो नहीं थी और कच्चे मतलब ऐसे ही जा रहा हूं, बस मुंह उठा के बस चल दिया। काम होना जरूरी है, बाकी कपड़े वपड़े तो देखी जाएगी। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप आप सब लोग अपने घर में मजे कर रहे होंगे। तो मैं बारिश में मैं पकौड़े और चाय मिस कर रहा हूं, कहीं मिल जाए तो आज देखते हैं, कहीं या फिर घर पे बनवाने पड़ेंगे, मम्मी के पास फोन करना पड़ेगा। मतलब मेरे को अंदर से ऐसी कोई वो न हो रही कि तलब लग रही हो चाय पकौड़े की, पर हां एक होता ना कि बारिश है यार चाय पकौड़े तो खा ही लो। पहला वो खाई करते हैं मीठे, एक वो आते हैं किसी ने अगर खाए हो तुमने चीला गुल, मतलब गुलगुले और चीले भी होते हैं, मीठे होते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं रहा, परांठा का होगा मीठा सा, चीला ही बोला शायद उसे, वो बहुत स्वाद लगे करते हैं भाई। मेरे को तो मीठे का तो मैं वैसे ही चसड़ूं और ऊपर से ऐसी चीज मिल जाएगा कि बारिश के मौसम में दही के साथ, ओहो क्या गजब स्वाद। बहुत दिन बाद मतलब ऐसे बारिश में कहीं जा रहा हूं, ऐसा निकलना तो हो रहा है, ऐसा कर रहा बारिश का ही व्लॉग बना लूं पूरा, कि ऐसे बूंद गिर रही है, देखना कितना प्यारा व्यू लग रहा है यार। एक चीज मैंने और नोट करी, जैसे एक सनरूफ वाली गाड़ी रहे ना, पहले मेरे को ऐसा लगता था कि यार क्या हो गया सनरूफ ही तो ये है, पर इसमें से ना एक व्यू मतलब एक जो मन को सुकून सा मिला, ऊपर छत खुली से रहा है ना, आसमान दिखता रहा है तो अच्छा लगे, और धूप आ रही हो तो कोई ऐसी कोई बड़ी बात भी ना, इसे बंद कर दो ज्यादा कोई अगर वो ऐसे ये छत बंद हो गई ये खुल गई, बाहर का व्यू लेना तो तुम्हें नजारे लेने दो। तो अगली गाड़ी जो भी लूंगा स्कॉर्पियो के बाद उसमें सनरूफ वाली लूंगा, स्कॉर्पियो में शायद सनरूफ होता नहीं है, नहीं मेरे को पता है उसमें तो कन्फर्म, लेकिन शायद अलग से लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते वो जतिन को पता होगा अभी हमारी आने वाले कुछ दिन में। जब अभी लॉकडाउन के चक्कर में हम ज्यादा जल्दी भी नहीं कर रहे, वैसे आ भी गई थी एक गाड़ी लेकिन वो ना कलर व्हाइट था, लेकिन हमें व्हाइट कलर चाहिए नहीं था, हमें ब्लैक कलर चाहिए था, लेकिन हम व्हाइट भी ले लेते, इतनी कोई खास दिक्कत नहीं थी कि भाई व्हाइट लेना नहीं है, पर अभी लॉकडाउन लग रहा है तो इस चक्कर में यह है कि कहीं भी जो उसका हमें काम करवाना है, अलॉय वगैरह चेंज करवाने, बहुत सारी चीजें करवानी है उसमें, वो सारी काम के लिए दुकानें खुली होनी चाहिए, वो खुली है नहीं, तो जब वो खुल जाएंगी तभी करवाएंगे, वरना अभी ऐसे ही लाओ उसे चलाओ कुछ देर, उसका फायदा क्या, आते ही जब उसमें सारा काम वाम हो जाए तैयार, गाड़ी ऐसे धनाधन लगे तब है फायदा। लेकिन स्कॉर्पियो के बाद जो गाड़ी लूंगा वो सनरूफ वाली लूंगा, कोई कैडी सी बढ़िया महंगी, ये ऐसे ऐसे जब पानी भर रहे हो कहीं और ऐसे नाले पार करने पड़ जाए ना, तो मेरा बड़ा दिल में दर्द सा उठा है इस BMW के साथ, तो स्विफ्ट हो कोई और गाड़ी हो आराम से निकाल लो कोई कहना, पर ये जो वैसी गाड़ी है लंबी वाली नीची बहुत रहे हैं यार, हल्का सा कहीं भी कुछ होते ही इतनी गंदी हो जाएगी भड्ड वाली, और फिर तुम्हारा दिल में दर्द होगा सीधा सीधा, क्योंकि अपनी गाड़ी है अपना पैसा दुख रहा है, मतलब एक पैसा लगाया है मेहनत खून पसीने का, तो दर्द होना भी लाजमी है, इसलिए मेरा थोड़ा मूड बन गया था, मतलब थोड़ी ऊंची गाड़ी लेने का, इसलिए स्कॉर्पियो बुक करवाई, वरना मैं थोड़ा सोच रहा था कोई नीची देखूं, मतलब कोई BMW या ऑडी टाइप की कोई ऐसी आराम से। दो तीन दिन पहले मैंने इसकी तारीफ करी थी गाड़ी की कि वो बढ़िया चल रही है, धनाधन चल रही है। अभी मैंने जो पीछे एक क्लिप दिखाई थी ना जिसमें वो पानी भर रहा था वहाँ पे, मैं निकाल के लेकर आया हूँ, तो वो पानी इसके अंदर घुस गया होगा। अरे यार ये कैसे उठेगा अब, और अब बहन जी स्टार्ट ना हो रही, अरे भाई इसमें तो नीचे आर पार दिख रहा है, ये रुकियो मेरी चप्पल दिख रही है तुम्हें? यो कैसी गाड़ी है भाई साहब, इसमें तो यार जतिन कह रहा है एक बार खोल कर देख ले क्या दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पे पानी भर रहा था बहुत ज्यादा, और जो नीचे गाड़ी रहा है ना इनमें सब बता रही है कि जब पिछली बार हमारी खराब हुई थी तो हमने BMW में कॉन्टेक्ट करा था क्या दिक्कत आ गई क्या नहीं, तो वो भी ये कह रहे थे कि जो नीचे गाड़ी होती है ना पानी में मत ले जाया करो, पानी भरते दिक्कत आ जाती है इनमें। अब ये दीदी यहाँ खराब हो चुकी है, स्टार्ट हो नहीं रही, उसमें पता ना क्या क्या अलग अलग चीज के अलग अलग तरह के फेलियर दिखा रहा है पता ना क्या क्या, एक बार मैं जतिन को इसकी फोटो वोटो भेज देता हूँ। तो कुल मिला के बात यह है मैं इसको यहीं छोड़ के और कैब बुक करके घर जाऊंगा, और मेरे फोन में 2% बैटरी है ना, मेरे पे चार्जर है ना कुछ, स्ट्रगल इज रियल। मैं यहाँ अपने मौसा जी के साथ सीए के पास आया था, मौसा जी अंदर बैठे, मौसा जी मेरे सोच रहा है कि क्या कर दिया है, पर चलो क्या कर सकते हैं, अब इसका ज्यादा तेज मार दी गलती से, मुझे लगा स्विफ्ट है, आखिरी बार एक बार स्टार्ट करके देख लेता हूँ बस। स्टार्ट तो हो रही है पर ये साथ साथ बंद भी हो रही है भाई, समझ से बाहर हो रही है, इसकी दिक्कत क्या है, अब इसे छोड़ के चलना ही पड़ेगा। मौसा जी आ रही है कैब? सुन अगर फोन बंद हो जाए तो मौसा जी वाले कर लियो है, ए ये खुला भी इतना मेरे तैयार खुल गया। हाँ अब बता नीचे ट्रे, हाँ है गीली है, वो गीली है मतलब ज़्यादा पानी ना, पर गीली है पानी भाई, अब ये पानी यार वहाँ ज़्यादा भर रहा था, मैं क्या करूँ, वो चढ़ानी तो पड़ती वहाँ आगे आना था, तो और मैंने इतना ध्यान भी ना दिया कि इसमें, मैंने सोचा स्विफ्ट ले रहा हूँ, चल क्या करूँ फिर अब बता,
यहीं छोड़ दूँ इसने। चल ठीक है, मैं इसने यहीं छोड़ कर आ रहा हूँ कैब करके, फिर देख लियो तुम्हें। मेरे तो मना कर रखी थी कि पानी वानी में नहीं लेके जानी, और जनरली यार गाड़ी अगर तुम इंजन इंजन पानी में देखोगे तो दिक्कत आएगी आएगी, पर मैं थोड़ा सा इन चीज़ों में कमजोर हूँ, मेरे को समझ कम आवा यार ये चीज़। अब चलो वो अपने आप ले जाएगा, मैं तो क्या ही करूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता भाई। बारिश तेज हो रही है, बेफालतू बीमार हो जाऊँगा, अब के बाद आराम तो करूँगा बंद। पिछली बार बड़ा मारा मैंने स्विफ्ट की तरह, गाड़ी पे मैंने अपना नाम लिख दिया, अगर कोई चोर आए तो इसे गाड़ी को बेशक ले जाना, पर मेरे को बता देना कि भाई कौन ले गया, क्योंकि इसे हम छोड़ के जा रहे हैं, हमारी कैब आ चुकी है साइड में, नहीं तो किसी और गाड़ी कैब आ रही है मतलब पीछे, मैं अपना सामान पैक कर लेता हूँ इसमें। यार बड़ा बहुत दिन बाद करा हुआ, धोखा मेरी गलती तो हुआ है, पर चीट तो चीट है ना। आ जा, मेरा बैग, मेरा पर्स भी रखा है इसमें ही, कपड़े तो इसमें ही छोड़ देता हूँ, अगर कोई लेके जाएगा कम से कम कपड़े लगते कुछ तो हों बेचारे पे। फोन की बैटरी खत्म, मेरी जिंदगी खत्म, वहाँ गाड़ी खत्म, सब कुछ खत्म हो चुका है। भाई देख रहा मेरे को कि मैं किससे बात करने लग गया एकदम से, लेकिन मैं क्या करूँ यार, मेरी तो मैं हमेशा मेरे साथ ऐसे होगा, जब कुछ ऐसी ऐसा हादसा होगा ना तो फोन में भी बैटरी खत्म हो जाएगी ताकि मैं किसी को बुला ना सकूँ, वो तो शुक्र है मौसा जी साथ थे। तो हमने कैब बुक कर ली, भाई इधर से ही ले लेना लेफ्ट यार, चल सीधा ले लेना, उसमें सीधा दिखा रहा, जल्दी सीधा ले लेना। अब भैया भाई को वहाँ ले जाके वहाँ अपनी वीटा डेरी पर लगा के वहाँ से कैश लेके उसको पैसे दूंगा, फिर वहाँ अपना घर जाऊंगा मतलब ऑफिस जाऊंगा, फिर ऑफिस जाके पहले कपड़े चेंज करूंगा, फिर अपना दुख मनाऊंगा कि क्या हुआ मेरे साथ। आज ही मैं गाड़ियों की बात कर रहा था और इसी व्लॉग में इतने दिन बाद गाड़ियों की कुछ ऐसा जिक्र कर रहा था और आज ही खराब होगी दूसरी स्कॉर्पियो, थोड़ी जल्दी लेनी पड़ेगी मेरे ख्याल में लग रहा है, जैसे आज के हालात थे। नीची गाड़ियों से तो मेरे को सच बता रहा हूँ नफरत सी होगी, अब मन भर लिया छीक लिया मैं तो। चलो पर कोई बात नहीं, एक बार घर पहुंच जाऊं, सैनिटाइज हो जाऊं पूरा, जिंदगी तो बचा लूं, गाड़ी तो ना बचा पाया। कितने पैसे हो गए जल्दी बताओ भाई, भीग जाऊं 192 सोनू 200 रुपए दिए भाई उधार, जिंदगी उधार में ही निकल जाएगी मेरी तो। धन्यवाद, लो भाई थैंक यू। अपना पीने का पानी भी मैं तो साथ लेकर चलूँ, मैंने कहा कहीं प्याज व्याज लगा तो कहीं पी भी ना सका, आजकल ठंड चढ़ रही है भाई, देर तो बहुत ज़्यादा बिना गाड़ी के, मतलब ऐसी सी फील आ रही है जैसे बचपन में जैसे किसी बिना किसी के बिना नोचे के किसी शादी में घुस गए और किसी ने तो पूछ लियो कार्ड है तारा दिखा कार्ड कहाँ है भगा दियो ना, मतलब बचपन में गए हैं हम बिना नोचे के ऐसे एक दो बार या फिर ज़्यादा बार, पर ऐसा किसी ने भगाए ना, पर फिर भी अगर भगा देते तो डर रहेगा था ना, वैसी वाली फीलिंग आ रही है। बेफालतू बारिश में नहाना पड़ रहा है, खांसी और होगी, अब देख खांसी जुकाम बारिश की वजह से होगा तो अब लेकिन लगेगा कोरोना होगा, बहुत ज़्यादा बेइज्जत सा महसूस हो रहा है, मतलब बेइज्जती सी फील हो रही है बहुत। पर कोई बात ना, शेर आदमी है तुम तो, हैवी ड्राइवर बनाऊँ मैं तो यार बहुत ज़्यादा, अपने अपने ऐसी तसल्ली देनी पड़ेगी और क्या करूँ, यहाँ मेरी कहाँ गाड़ी खड़ी होती और कहाँ यहाँ सूना पड़ा है। मोटी मोटी मेरे को एक बात समझ में आ गई कि अपना ये मतलब अपने यहाँ इस ओहो तुम ऐसी गाड़ी चलाने के लायक ना है अपना गुड़गांव, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी बारिश होती पानी भर जाता है और अंदर तक पानी आ रहा भाई साहब, तो यहाँ तो तुम्हें फॉर्चूनर स्कॉर्पियो कामयाब है या फिर स्विफ्ट होती ना भाई साहब, सही बता रहा हूँ, पूरे आसपास की सारी गाड़ी भिगो तोड़ जाता है, सू सू करता और कहीं ना टकरावे ना कुछ ना कोई दिक्कत आवे। मारुति गाड़ी बहुत बढ़िया लगी मेरे को इस मामले में, अंदर में से पानी में डुबा दो ना समुद्र में चल सके हमें। फिलहाल तो क्योंकि मेरा पंखा खराब हो रखा है, मैंने पिछले व्लॉग में बताया था ये मैं ऐसे है कि आधे घंटे चलेगा बढ़िया सर 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 करके फिर आ जाएगा ऐसे, तो इसका वो कैपेसिटर पिक्चर चेंज करने के लिए भाई लगे पड़े, इसका वो भी खराब हो रहा है रेगुलेटर, जिससे वो ना मंदा तेज, अब ये एक स्पीड में चला फुल या फिर फुल की स्पीड में भी आधे घंटे बाद वो ऐसे चला। तो मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि थोड़ा सा वो करेंगे 24 आवर्स वाला चैलेंज करेंगे और घर का डेकोरेशन वाला करेंगे, वो तो आज कुछ हो नहीं पाया, लेकिन फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ लोगों की डिमांड आते थे कि भाई 2 दिन में 2 व्लॉग डाल दिया करो, जब अगर आप मौका लगे ऐसे ऐसे, तो मैं सोच रहा हूँ अब खाली बैठा हूँ इस व्लॉग को एडिट करके डाल देता हूँ, तो एक बार थोड़ा सा माहौल देख लेता हूँ, अगर मेरे को कुछ काम वाम नहीं हो तो मैं इस व्लॉग को फटाफट से एडिट करके डाल देता हूँ, अगर डाल पाया तो मैं इस व्लॉग को यहीं खत्म कर रहा हूँ समझ जाना आप। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, अभी गाड़ी देखने भी बाद में जाएंगे जितनी ना आएगा। बारिश अभी तो बहुत तेज हो रही है, देखो तुम्हें दिख रही हो तो ठीक है, नहीं दिख रही तो मैं बता रहा हूँ बहुत तेज हो रही है, फिर आगे कहानी आपको आगे पता चलेगी, फिलहाल के लिए बाय बाय, अगले व्लॉग में मिलते हैं, ठीक है। देख अच्छे अच्छे हाथ जोड़ दें, ऑल ओवर इंडिया में ना कहीं भी टोल दें, करते ना यूज पिस्टल कारतूस कड़े, मार मार बैरिया की खोपड़ी ने खोल दें, हाई रेट सिगरेट कदे शामी आके फेट छोरे, मोस्ट वांटेड सा लगे परचे, हरियाणा के ऊंट बेटा।